हाय गाइस, एक्चुअली हम लोग आज स्वीप का प्रैक्टिस वापस कर रहे हैं। जो लास्ट टाइम ओमटेक्स का कैंप था और मैंने स्वीप का बताया था, तभी बहुत से क्वेश्चंस ऐसे थे कि पैर पीछे का बाहर आ रहा है तो स्टंप हो सकते हैं। तो वो खाली उन एथलीट्स के लिए था जो बिगिनर्स है, जो जस्ट स्वीप सीख रहे, तो वो ट्रांसफ़र ऑफ वेट ऑन द बॉल का ड्रिल था। तो जो क्वेश्चन पूछे थे वो बहुत अच्छे पूछे थे, वो क्वेरीज अच्छी थी, लेकिन उसका सॉल्यूशन मैं आज बताने वाला हूँ, क्योंकि आज जो दो बैट्समैन है हमारे पास ये अच्छे खेले हुए हैं, तो इनके लिए जो मैं बताऊँगा वो फाइनल है। क्योंकि वो जो था, अगेन आई एम टेलिंग यू, वो था वो जो बिगिनर्स के लिए था, जो अपना बॉडी वेट आपको खाली बॉल के ऊपर लाना है, और इसके लिए वो पीछे का पैर का मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा था। तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो अच्छे प्लेयर के लिए, जो आपका स्वीप शॉट है और आपका कैसे आप बॉल कवर करके फिर टर्न आपका बैक फुट आके आप स्वीप शॉट खेलते हो, वो मैं अभी आपको डेमोंस्ट्रेट करूंगा। उसके लिए मैंने पैड्स भी डाले हैं कि आपको पता चले कि वो फिर आपका बॉडी वेट कैसे आना चाहिए और बॉल आपका कैसे रह के आपका पीछे का पैर कैसे क्रीज में रहेगा। ओके, तो मैं अभी आपको डेमोंस्ट्रेट करूंगा कि वो पहले वो स्वीप खेलते कैसे। थैंक यू। अभी मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे स्वीप शॉट खेलना है और हर लाइन का बॉल मुझे कैसे स्क्वायर लेग पे मारना है। ठीक है, लाम आप अभी देखोगे कि मेरा हर टाइम जो पैर है बैक फुट लेग वो क्रीज में ही रहेगा, वो क्रीज के बाहर नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैंने लास्ट टाइम सीखा था, मेरा हेड हमेशा मेरे टो के आगे रहना चाहिए। सी, क्रीज है, मेरा क्रीज में ही है पैर। ये मेरा क्रीज है, आप मेरा बैक फुट देखोगे मेरा क्रीज में ही रहेगा। See, every time when I'm playing my sweep, my back foot leg is always inside the crease. So यही मुझे है कि जो एथलीट को सिखाना वो अलग बात है और जो न्यू कमर्स को सिखाना है वो अलग बात है। So don't compare these two videos. So अभी आपको जॉब मिल गया होगा जिन्होंने questions raise किए थे last time, तो ये उसका जॉब है। तो every time, क्योंकि last time मैं भूल गया था कि वो बिगिनर्स को था वो बताने के लिए, सो थैंक्स फॉर दैट क्वेश्चंस। अच्छा, क्या ऑब्जर्वेशन था आपने, क्या देखा जब भी मैं स्वीप खेल रहा था? जो क्वेश्चन था लास्ट टाइम का, जो क्रीज के बाहर पैर आता है, आपने ऑब्जर्वेशन किया कि वो अंदर रह रहा है, और वाइल प्लेइंग आपका ऑब्जर्वेशन क्या था? सर, खेलते वक्त जब भी बॉल ऑफ मिडल पे था तो आप स्वीप मारते वक्त पूरा बॉल के लेंथ को कवर कर रहे थे और ये पैर क्रीज में ही रह रहा था, वो कवर करते से आप अच्छे से बॉडी वेट आगे लेके मार रहे थे। वेरी गुड, व्हाट इज योर सर opinion? सर, जब ऑफ स्टंप के बाहर गिर रहा था और स्क्वायर लेग एरिया टारगेट है, तो बॉल को पूरा रीच करके उसका एंगल कवर करके बराबर से एडजस्ट करके स्क्वायर लेग। सुपर सुपर, ग्रेट थिंग। इसका आपको मतलब मिल गया होगा जो लास्ट व्यूअर्स से, दैट स्पेशली फॉर देम फॉर देयर क्वेश्चंस। तो आई होप कि आप हमारा ये वीडियो इन्जॉय करोगे और हमारे एथलीट भी इसमें और इम्प्रूव हो जाएंगे। इफ़ यू सी हिम बोथ ऑफ देम, देन यू विल कम टू नो के कैसे आ रहा है। थैंक यू। देयर इज नो बाउंस ऑन द विकेट, सो लवली शॉट। ट्राई टू प्ले ऑन स्क्वायर लेग, लवली, बेटर, ब्यूटिफुल shot, yaar good shot, lovely, beautiful, good, very good, very good, lovely, beautiful, lovely, nicely, very good shot, yaar good, lovely, beautiful, beautiful, last two,
3 shot, beautiful. Last 2 superb.